अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट फॉर प्री नाइन्थ फ्रॉम चैप्टर 7 ऑफ बायोलॉजी नाइन्थ क्लास। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ स्टूडेंट। जैसा कि पिछले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था, डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था, यानी कि जो हैजर्ड्स थे, जो के नुकसानात थे, किसके? जंगलात की कटाव के। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जंगलात की अहमियत, यानी कि उनके होने के हमारे लिए कितने फ़वाद हैं। तो स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो जंगलात के फ़वाद इतने हैं, इतने बे इंतहा हैं कि मैं बयान ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ मैंने सम ऑफ किए हैं इधर आपको बयान करने के लिए। तो उनमें से सबसे पहले क्या है, दे सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, जितने मसाकन हैं आमतौर पर जानदारों के, जो जंगली जानवर हैं, परिंदे हैं, ठीक है, उन सब के क्या मसाकन को ये एक बड़ी अहम जगह, यानी कि इनकी हैबिटेट को क्या करता है, सेफ करता है। और सेफ इस तरह से करता है कि जानदार अपनी ज़िंदगी आराम से वहाँ गुजार लेते हैं छुप के, क्योंकि जानदार जितने होते हैं जंगलों में छुप के रहते हैं इंसानों से या दूसरे जानवरों से जो उनके प्रेडेटर होते हैं उनसे या हंटर से। तो ये क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यानी कि हैबिटेट वगैरह। नंबर टू, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या है, आपकी टिम्बर है, जो लकड़ी है, जो के मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, आमतौर पर घरों में फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए जो है उसको यूज़ किया जाता है। इसका एज ए फ्यूल इसे हम यूज़ करते हैं, घरों में ईंधन वगैरह जो है ना इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बतौर लकड़ी को, बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। वुड जो होती है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए घरों में या घर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो क्या है कि ये जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और इसके प्रोडक्ट्स में आ जाता है फ्रूट्स भी। जितने फ्रूट्स होते हैं जो जंगलात के होते हैं उनमें आप देखो, जंगलात में शहद भी हमें मिलता है, जंगलात में मुख्तलिफ फ्रूट्स हमें मिलते हैं, जंगलात में मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो क्या करती हैं, हमें बीमारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के पर्पज़ के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उनके इलाज के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रूट्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ हमें जंगलात से मिलते हैं, जो कि हमारी गज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में अहम पेशरफ्त होती है, जो अहम करदार अदा करते हैं। तो क्या है कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है जिसमें टिम्बर फ्यूल के तौर पर या जो वुड होती है या जो फ्रूट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमें बड़े अहम ज़रूरियात होती है जो हमें जंगलात से ही मिलती हैं। इसके अलावा जो हमें टिम्बर जो हम क्या करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के लिए तौर पर यूज़ करते हैं। अब कुछ तरक्की पदीर ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे क्या किया जाता है कि कुछ लोग क्या है वो लकड़ी के बने घर इस्तेमाल करते हैं। आज भी अगर आप जाते हैं यूरोप वगैरह में तो वहाँ पे लोग, या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के साइड की साइड पर आप जाते हैं, या न्यूजीलैंड के साइड पर जाते हैं, या मुख्तलिफ जो आपके बरियाज़म है अगर आप उनमें जाते हैं कॉन्टिनेंट्स के अंदर, तो आप देखते हैं कि लोगों ने लकड़ी के घर बनाए हुए होते हैं। हमारे पाकिस्तान में शुमाली इलाका जात में अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी लोगों ने क्या है, लकड़ी के घर बनाए हुए होते हैं। तो जो हमारी टिम्बर होती है, यानी कि बड़ी लकड़ी जो हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं कहाँ से, किन से लेते हैं, जंगलात से लेते हैं, वो मोस्टली बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी कि घर बनाने के वो काम आती है, या फर्नीचर बनाने के काम आती है। हमारे घर में अलमारियाँ होती हैं, शोकेस होते हैं, हमारे घर में बेड सोफेस वगैरह, कुर्सियाँ, चेयर्स वगैरह होती हैं, टेबल्स होते हैं, वो टिम्बर क्या होती है, इन सारे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट, ये सारे के सारे लेक्चर आपको साइंस लाइसेंस स्कूल की तरफ से दिए जा रहे हैं। हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आए, आप तक पहुंचे और आसानी से आप उससे मुस्तफीद हों और मुख्तलिफ उसके टेस्ट अपने टीचर्स को दे के अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। तो इसलिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो बात हो रही है किसकी, टिम्बर यूज एज बिल्डिंग मटीरियल। और अब इसके बाद आ जाता है एक और बड़ा अहम जो इनका यूज़ होता है, वो है पेपर। अब इसका जो पल्प होता है, जो वुड्स का, जो दरख्तों का पल्प होता है, उसको क्या किया जाता है, पेपर बनाने के लिए एज ए पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है कि जितनी आज पेपर इंडस्ट्री वसी हो चुकी है, इंसान का पेपर के बगैर गुजारा नहीं है, यानी कि कुछ भी लिखना हो, कुछ भी नोट करना हो, तो फौरी तौर पे हमें क्या होती है, पेपर की जरूरत होती है। तो पेपर इंडस्ट्री में क्या है, जो हमारा फॉरेस्ट है उनका बड़ा अहम करदार है, यानी कि जो ट्रीज होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनका जो पल्प होता है उसको मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर सिक्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूशंस फ्रॉम एयर टू कीप क्लीन इट। अच्छा, जैसा कि प्लांट्स को क्या कहा जाता है, हमारा जमीन के फेफड़े बोला जाता है,
इनके प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन के फेफड़े इस तरह हैं कि जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान जो हवा अंदर जाती है तो हमारे फेफड़े उन्हें क्लीन करने के बाद ऑक्सीजन को अलग करके हमारे जिस्म में पहुँचा देते हैं पल्मोनरी वेंस के थ्रू वगैरह। तो उसी तरह क्या हो जाता है, जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लूटेंट्स है, बहुत एक बुरी गैस है जो कि हमारे फिजा में बहुत ज़्यादा ये इसने ग्लाफ बना लिया हुआ है, ग्रीन हाउस की तरह ये काम कर रही है, तो उसको ख़त्म करने में, क्योंकि प्लांट्स की जो खुराक है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं इस तरह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स बतौर खुराक लेते हैं। मुख्तलिफ प्लूटन जो है हमारे, जैसे सल्वर के ऑक्सीडेंट्स वगैरह हैं, वो क्या होते हैं, उनको क्या करती है, हवा साफ करती है, और साफ करने के बाद हवा के अंदर से ये जो जितने प्लूटन होते हैं, दरख्त जो होते हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हवा को क्या कर देते हैं, साफ रखते हैं, ताकि हम जो जिस हवा फजा के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ आसानी से हम जिंदगी बसर कर सकें, और कोई भी जो हमारे कह लें कि सांस के लेने में कोई मुश्किल होती हैं या किसी को सांस की बीमारियाँ होती हैं उसे हमें ये बचाते हैं। कास कूलिंग जो प्लांट्स होते हैं वो कूलिंग का सबब बनते हैं। जैसे कि आपको पता है वेपोरेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेशन के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो वेपर्स को फ़िज़ा में छोड़ते हैं, और वो वेपर्स क्या करते हैं, जो इर्द गिर्द की हीट होती है उसको जज़्ब करते हैं, और वही वेपर क्या होते हैं बाद में कंडेंस होकर हमारे क्लाउड्स बन जाते हैं, और क्लाउडिंग की वजह से क्या होता है, रेनिंग होती है, रेनिंग से क्या हो जाती है, कूलिंग प्रोसेस होता है। डैट इज़ वाई क्या करते हैं ये हमारे, वो कूलिंग का बेस बनते हैं। वाटर साइकिल ये क्या करते हैं, ज़मीन से पानी जज़ब करते हैं, और जज़ब करने के बाद उसे वेपर की फार्म में ऊपर फेंक देते हैं। जब वही पानी फ़िज़ा में जाता है तो वो बादल बन के बरसना शुरू हो जाता है, और वो पानी दोबारा क्या होता है, बरस के ज़मीन के अंदर जज़ब होता है, तो वही प्लांट्स क्या करते हैं, दोबारा उन्हें जज़ब करने के बाद फ़िज़ा में भेज देते हैं, और इस तरह ये पानी का ये साइकिल क्या रहता है, जारी रहता है, और उन इलाकों तक बारिश की शक्ल में, बादल की शक्ल में पानी पहुँच जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सेफ फ्रॉम फ्लड्स, जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या करते हैं, जो रिवर फ्लड्स होते हैं उनसे बचाते हैं, सैलाबों से बचाते हैं, क्योंकि पानी का जो रेला आता है बड़ी तेज़ी के साथ आता है, और जब वो आता है तो ये दरख्त जो होते हैं उनके रास्ते में रेजिस्टेंस के तौर पे, बैरियर के तौर पे काम करते हैं, और पानी की स्पीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस तरह से ये क्या करते हैं, जो दरहेज मट्टी होती है उसके बह जाने को भी कम कर देते हैं, उसके जो कह लेंगे एक नुकसान होता है पानी जो के अंदर जो जहरेज मट्टी बह जाती है उसको क्या कर देते हैं, ये कंट्रोल कर देते हैं, रोक देते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, दरहेजी जो होती है ज़मीन की वो बरकरार रहती है, और फ्लड की क्या हो जाता है, स्पीड भी कम हो जाती है, और फ्लडिंग कम होने से क्या हो जाता है, जो हमारा ज़रई इलाका होता है उसको बचाया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये थे क्या फॉरेस्ट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगलात थे उनकी अहमियत बयान की गई थी, लेकिन इंसान ने क्या किया, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, लालची जो है इसने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जंगलात को वसी पैमाने पर काटा है। अब इसको पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि हम लाजमी तौर पर जब शजरकारी का मौसम आता है, ना सिर्फ शजरकारी के मौसम में, वैसे भी हमें गया जंगलात तो जो है काला उनको बढ़ाना चाहिए, और हमें और हुकूमत को लाजमी तौर पे चाहिए कि वो क्या करे जंगलात की बेहतरी के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए क्या करे, कोई ऐसे तरीक़ेकार जन अपनाए जाएँ जिससे क्या जंगलात की कटाव का क्या है नुकसान कम हो सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपने और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।